घर में जो गार्जियन होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की होती है कि अभी तक इतनी रात हो गई, इतनी देर हो गया, अभी तक उनका बच्चा कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ पे हैं। तो ऐसे में हर बारी अपने बच्चे को कॉल करके और पूछ पाना कि आप अभी कहाँ पे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में आपको गूगल एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने बच्चे का मोबाइल का लोकेशन 24 आवर ट्रैक कर सकते हैं कि अभी वो कहाँ पे है। यहाँ पे लोकेशन शेयरिंग का एक ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाता है जहाँ पे अगर आप लोकेशन शेयरिंग कर लेते हैं तो 24 आवर तक वो लोकेशन, मतलब आप समझिए ऐसे कि जब तक आप उस लोकेशन शेयरिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पे है और आप उसको सेफ कर सकते हैं, उसको किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से बचा सकते हैं। अब किस तरीके से लोकेशन शेयरिंग पेरेंट्स अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके बच्चे की मोबाइल की लोकेशन आपको अपने फोन में शेयर करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे वो आप देखिए, और मैं पेरेंट्स के मोबाइल में किस तरीके से शो होगा लोकेशन का हिस्ट्री वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप गूगल मैप ओपन करेंगे आप अपने बच्चे के फोन में, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लोकेशन शेयरिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड न्यू शेयर, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप टाइम एंटर कर पाएंगे कि आप कितने घंटे के लिए अपने बच्चे का फोन ट्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पे आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है अनटिल यू टर्न दिस ऑफ, मतलब कि जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते हैं तब तक लोकेशन जो है वो शेयर होते हुए रहेगी। तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपको शेयर करना है किसको, मतलब कि आपको आपके आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने फ़ोन में लोकेशन हिस्ट्री शेयर करनी है, तो उसके लिए आप वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपका अपना खुद का ईमेल आईडी एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मानिए सपोज कि ये मेरे पेरेंट्स का नंबर है, तो मैं यहाँ पे इस पे लोकेशन शेयर कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि पेरेंट्स के फ़ोन में लोकेशन जो है वो दिखाई देते हुए रहेगी कि बच्चा आपका कहाँ पे है और कहाँ पे जा रहा है। अब ये लोकेशन जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे के फ़ोन में इस तरीके से नोटिफिकेशन आए, तो ये नोटिफिकेशन के वजह से हो सके कि वो अपने फ़ोन में लोकेशन शेयरिंग को ऑफ कर दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल मैप को यहाँ पे गूगल मैप का ये जो आइकन है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए गूगल मैप का ये जो आइकन है इस पे होल्ड करके रखना है। ऐप इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन, इसको आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन दिखाई भी नहीं देगी और लोकेशन शेयरिंग जो है वो पेरेंट्स के फ़ोन में दिखाई देते हुए रहेगा, तो बच्चा यहाँ पे शक भी नहीं करेगा और ऑफ भी नहीं कर पाएगा। अब पेरेंट्स के फ़ोन में किस तरीके से लोकेशन शेयरिंग दिखाई देगी वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे जब आप पेरेंट्स हैं आप अपने फ़ोन में गूगल मैप्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे एक ये डॉट जैसा दिखाई दे रहा होगा के, जो कि आपके बच्चे के फ़ोन का लोकेशन है, ये दिखाई दे रहा है कि आपका बच्चा वहाँ पे है। जब आप उस लोकेशन पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि एग्जैक्ट आपका बच्चा कहाँ पे है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। 1 मिनट अगो, मतलब कि ये 1 मिनट से यहीं पे इसी जगह पे खड़ा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। जब आपका बच्चा अपने फ़ोन में लोकेशन शेयरिंग को ऑफ करेगा तो वो गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे अलग से दूसरे वाले फ़ोन में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको। अब जैसे देखिए ये बगल में साइड में यहाँ पे आपके बच्चे का फ़ोन ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोकेशन शेयरिंग को ऑफ करेंगे, मतलब आपका बच्चा जब लोकेशन शेयरिंग को ऑफ करेगा तो वो कुछ देर में गायब हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे लोकेशन शेयरिंग ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आनंद मिश्रा कैन सी योर लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो अभी वहां पे ये के का ये डॉट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका बच्चा है, लेकिन ये कुछ देर में यहाँ पे यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं।
ये देखिए यहाँ पे जो वो डॉट था जहाँ पे आपके बच्चे का लोकेशन आ रहा था, जैसे ही वहाँ पे स्टॉप किया गया वो वहाँ से लोकेशन से गायब हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चे का फ़ोन ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे जा रहा है। इस तरीके से आप उस पे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से उसको बचा सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।